आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, जो प्रतियोगी हमारे भाई बहन हैं। मैं उन सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ, विजयश्री हम सभी लोगों की सुनिश्चित है, ठीक है ना। और जिस तरीके से अब सर्वोच्च न्यायालय में याचिका हुई है और जिस तरीके से MHRD वहाँ पे अटॉर्नी जनरल को खड़ा करने चल रही है कल की डेट में, ठीक है ना, इस आदेश पे स्टे लगना तय है। आज इन चीज़ों का प्रेफरेंस तैयार कर लिया गया है और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, 101% आप सभी लोगों की विजय सुनिश्चित है। और केंद्र सरकार में आज मंत्री महोदयों को और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने के बाद जो उनके मुखारविंद से शब्द निकले हैं, मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं, बीएड विद्यार्थियों के हित में केंद्र सरकार फैसला करने चल रही है, ठीक है ना। और रही बात आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो 20 अक्टूबर तक शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से अस्तित्व में आ जाएगा, अधिसूचना इसकी जारी हो जाएगी, ठीक। अभी तक विवादों की स्थितियाँ जिन मुद्दों को लेकर के थी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी जब हम लोगों ने बातचीत की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के सामने ही ये चीज़ें रखी गई और उनसे कहा गया कि 2018 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई है और ना कोई शिक्षक भर्ती हुई है। 1,34,000 शिक्षा मित्रों के रिटायर होने के बाद, मतलब सर्वोच्च न्यायालय से उनके पैदल होने के बाद, एक बार 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई, एक बार 68,500, उसमें भी 22,500 सीटें रिक्त रह गई। ऐसी परिस्थितियों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन न जारी कर पाना और 2 सालों से लगातार TET का आयोजन न कर पाना, ये सरकार की एक निष्फलता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार जिस तरीके से बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित किए थे, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के उपरांत बहुत से विद्यार्थी नौकरी पाए, बहुत से विद्यार्थी प्रिपरेशन करने लगे थे अपनी बीएड की डिग्री कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उन विद्यार्थियों को इनलीगल बता करके बीएड विद्यार्थियों को बाहर कर दिया। अब चूंकि वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होने चल रही हैं, तो आप सभी लोगों की विजयश्री अब सुनिश्चित हो चुकी है। और आज जिन जिन मांगों को लेकर के हम लोगों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया, मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वासन दे देना चाहता हूँ, हम सभी लोगों की विजयश्री सुनिश्चित है, ठीक है ना। और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने जो हम सभी लोगों को कहा, जो हम लोगों से, वो एकदम स्पष्ट था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या आपकी शिक्षक भर्तियाँ, इन सभी भर्तियों को 28 फरवरी सन 2024 के पहले पहले सब भर्तियां कंप्लीट कर दी जाएंगी और ये भर्तियां कंटिन्यू अब चलेंगी। मतलब स्पष्ट था उनका कि कुछ भर्तियां आपकी 31 दिसंबर तक कंप्लीट होंगी और कुछ भर्तियां आप सभी लोगों की 31 जनवरी तक कंप्लीट होंगी। उनका इशारा साफ था TGT PGT और LTGIC को लेकर के, ठीक है ना। और जिन मुद्दों को लेकर के हम सभी लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया, बीएड डिग्री धारकों को लेकर के प्राथमिक में, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक आप लोगों की बातें पहुंचा दी गई हैं और बीएड विद्यार्थियों के हित में केंद्र सरकार फैसला करेगी, क्योंकि इसका पूरा प्रोफार्मा बन चुका है और सरकार ये नहीं चाहती कि इस बार आप सभी लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी गच्च और मच्छ सुनना पड़े, समझ रहे हैं ना। और आपको परेशानियां हो कि बाद में कोई गवर्नमेंट आए और वो इन चीज़ों को लेकर के जो है आपके अगेंस्ट फैसला ले, क्योंकि नियम के अनुसार अगर नीतिगत चीज़ों में आप सभी लोगों को नियमावली के अनुसार सम्मिलित किया जाता है तो कोई भी सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी हाई कोर्ट आपको बाहर नहीं कर सकता। और जो चीज़ें गलतियां हुई हैं अधिकारियों के माध्यम से, उन गलतियों को दूर करने का जो पूरा प्रोसीजर है वो तैयार किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बीएड विद्यार्थियों की बातों को बड़ी गौर से, बड़े ध्यानपूर्वक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुना भी। मौका है वायुसेना दिवस का, जो आप सभी लोग एयर शोज देख रहे हैं, बहुत सारी पिक्स हैं, बहुत सारे वीडियोस भी हैं मेरे पास और आज ये एयर शो देखने का मज़ा ही कुछ और था। हमारे देश के नौजवान जिस तरीके से हवा में कलाबाजियां करतब दिखा रहे थे, वास्तविकता में देख करके दिल गार्डन गार्डन हो गया। और आप सभी लोगों की समस्याओं को लेकर के जिस तरीके से हम सभी लोगों ने प्रयास किए थे, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है और कोई भी इंसान ऐसे आसानी से कोई चीज़ें नहीं कर पाता, बहुत सारी चेकिंग होती है सारी चीज़ें, है ना।
और प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना अपने आप में एक मील का पत्थर है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बीएड डिग्री धारकों ने जिस तरीके से आज पंपलेट लहराए हैं वो भी ध्यान आकर्षण का केंद्र बना है। बहुत सी संख्या में बीएड के विद्यार्थी वहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने ध्यान आकर्षण करने के लिए किया है और इस पर उन्होंने हाथ हिला करके जो है आश्वासन दिया है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्राथमिक में आप लोग पूरी तरीके से एलिजिबल हों और केवीएस से लेकर के किसी भी भर्ती परीक्षा से आप सभी लोगों को बाहर न किया जाए, इसके लिए हम लोगों का प्रयास जारी है। मैं आप लोगों को इस बात का आश्वासन दे देना चाहता हूँ 25 अक्टूबर के पहले पहले आप लोगों की कुंडली का भाग्य तय कर दिया जाएगा। और आप सभी लोगों से इस बात की भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरे सपोर्टिंग नेचर के साथ आप सभी लोग इस चैनल को सहयोग करना शुरू करिए। एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जब हम लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा कि ये जानकारी हमारे संज्ञान में है, मुझे इस बात की जानकारी है। और जो अधियाचन भेजे गए हैं लोक सेवा आयोग को, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजा जा चुका है और आप सभी लोगों के विज्ञापन की प्रक्रिया बहुत जल्दी ही स्टार्ट कर दी जाएगी। 15 से 20 दिन में उन्होंने बोला है कि प्रक्रियाएँ आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। और माध्यमिक और राजकीय विद्यालयों में उन्होंने 48,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही है। अब जाहिर सी बात है टीजीटी पीजीटी का एक नया विज्ञापन, टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन और एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन, ये सभी मिलाकर के 48,000 जो आपके टीचर रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर आप लोगों के सम्मुख आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सभी लोगों ने किसी भी तरीके से सहयोग करना बंद किया तो हमारी टीम के सदस्यों का भी उत्साह डाउनडोल हो जाता है। मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ आप लोगों की बेरुखी का नतीजा, लेकिन हम लोग जो प्रयास करते हैं ना वो आप सभी लोगों के लिए करते हैं। मेरा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, मेरा कुछ भी नहीं है, ना मुझे LT से मतलब है, ना मुझे PRT से मतलब है, ठीक है, और ना ही मुझे PCS से मतलब है, ना एज रिलैक्सेशन से मतलब है, ना तो मुझे इन चीज़ों का लाभ चाहिए। मुझे LT ग्रेड भी अप्लाई नहीं करना है, मुझे केवल GIC लेक्चरर अप्लाई करना है, ठीक है, और मुझे केवल SDI अप्लाई करना है, मुझे PCS भी नहीं देना है, मुझे RO भी नहीं देना है, मुझे कोई वैकेंसीज नहीं देखनी है, कुछ चुनिंदा वैकेंसियां हैं जो हमें देनी है। इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों के लिए अगर मैं अपना समय निकाल रहा हूँ तो आप सभी लोगों को भी इतना थोड़ा सा सहयोग तो करना ही पड़ेगा। रही बात आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता की, तो LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है 10,500-11,000 पदों का विज्ञापन आप लोगों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा और ये भर्ती 5 महीने के भीतर कंप्लीट भी हो जाएगी। 5 महीने के भीतर फाइनल रिजल्ट आप सभी लोगों के सामने होगा। एक चरण में ये परीक्षा कराई जाएगी, एक चरण में, ठीक है ना। आज मुख्यमंत्री मोदी ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है, एक चरण में ये परीक्षा कराई जाएगी जैसे 2018 में हुआ था। और ये कह देना कि इसमें धाधरबाजी ज़्यादा हो जाती है एक चरण में, तो इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है और ये परीक्षा कराने वाली संस्था की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से अपनी परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखते हैं। प्राथमिक शिक्षा भर्ती के संदर्भ में उन्होंने बताया कि बीएड के मामले को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने कहा है, बातचीत की है और एक प्रस्ताव बना करके इनको दिया है कि बीएड के विद्यार्थियों को पुनः PRT में सम्मिलित किया जाए। आज सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील से वार्ता हो रही थी जो कि बिहार के मामले को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, जो कि बिहार के मामले के साथ साथ बीएड के कई मामले में जो है बातचीत भी कर चुके हैं सर्वोच्च न्यायालय में, और छत्तीसगढ़ वाले मामले में वो मुख्य वकील थे, मुख्य लायर थे, ठीक है ना, जो छत्तीसगढ़ वाला आदेश आया है। बातचीत करने के उपरांत ये सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो गई हैं कि बीएड विद्यार्थियों के लिए जो स्ट्रेटजी हम लोग तैयार कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है, एक्यूरेट है। हम लोग तो चलिए ठीक है सर्वोच्च न्यायालय से प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन आप सभी लोगों को भी डिजिटल तरीके से मॉरल सपोर्ट आप सभी लोगों को चैनल का करना है। अगर आप लोग चैनल का मॉरल सपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों को बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हो पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य करिए। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि एक बात मैं आप लोगों को और भी बता दूं, TGT PGT 2022 की परीक्षा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, ठीक है ना। आप सभी लोग भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जो भाई बहन, जो विद्यार्थी 2016-2021 के अभ्यर्थी रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है,
वो हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं, याची लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 68 विद्यालयों 68 विद्यार्थियों के भविष्य का फैसला 2016 की याचिका पर हो गया और उन विद्यार्थियों को नौकरी मिल गई। अब सेकंड वेटिंग लिस्ट की बारी है, क्योंकि पद अभी भी रिक्त हैं, ठीक है ना। 2021 में भी यही स्थितियाँ हैं, इतने विद्यार्थियों को कल्याण हुआ है, बहुत से विद्यार्थियों को लाभ मिला है जिनका प्रवक्ता पर चयन हुआ है, TGT में चयन हुआ है, सिर्फ याचिका के ही दम पे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कुछ भला हो तो विद्यार्थी हमारे साथ हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। और जो पुराने हमारे याचिकागण भाई बंधु हैं वो तत्काल 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर लें, या आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई नोट्स चाहिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का, टेट का, CTET, सुपर टेट, TGT, PGT, LT, GRC आदि का नोट्स चाहिए, तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। वर्ल्ड कप का मैच आ रहा है, मस्ती से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति और अपने इस भाई के प्रति आप सभी लोगों की संवेदनाएं होनी चाहिए। जो भाई बहन ये सोच रहे हैं कि वो एज रिलैक्सेशन के चलते अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, सोमवार को आपका ROARO का विस्तृत विज्ञापन जारी होने वाला है और उसके बाद आप सभी लोगों को तमाम वो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जिसके इंतज़ार में आप लोगों के पसीने छूट रहे थे, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस मॉरल सपोर्ट चाहिए आप सभी लोगों का। LT ग्रेड GRC प्रवक्ता के बड़े विज्ञापन के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ वो 100% एक्यूरेट जाता है। मैंने आप सभी लोगों से कहा था जब 181 पदों का विज्ञापन का ब्यौरा जारी किया गया था, पदों का, ROARO का, तभी मैंने कह दिया था कि 181 नहीं, कम से कम 450, अब 411 विज्ञापन आ रहा है। अब प्रीलिम्स होते होते और उसका रिजल्ट आते आते ये पदों की संख्या 750 को पार चली जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए कार्य करता हूँ, तो आप सभी लोगों से सपोर्ट मांगने का पूरा पूरा अधिकार रखता हूँ। आप परिवार के सदस्य हैं हमारे, ठीक है ना, आप भाई बहन हैं हमारे, किसी से भी, किसी भी विद्यार्थी से मेरा कोई बैर नहीं है, चाहे वो डीलर हो, चाहे BTC हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे तदर्थ शिक्षक हो, किसी से भी मेरा कोई बैर नहीं है, मैं सबको साथ लेकर के चलता हूँ। हाँ, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर हैं, जो लीगल चीज़ें होती हैं जिनको सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है उन्हीं को सपोर्ट किया जाता है। धन्यवाद।